में जो फौजदारी मामले होते हैं या क्रिमिनल मामले होते हैं उनमें जो सबसे पहले जो कोर्ट होती है जहां मामले की शुरुआत होती है वो उसे हम JMIC कहते हैं, उसके बाद SDJM होता है, उसके बाद ACGM होता है और उसके बाद CGM होते हैं। आमतौर पर इन चारों की पावर लगभग होती है। रूटीन में CGM को कुछ बड़े मामलों की सुनवाई करने की पावर होती है जो 7 साल तक सजा दे सकते हैं, उसमें CGM और ACGM की पावर बराबर होती है। JMIC और SDJM होता है वो 3 साल तक की किसी मामले में सजा सुनाने वाले मुकदमे की सुनवाई कर सकता है और सजा दे सकता है। लेकिन ये फॉर्मल सा बंटवारा है कि आमतौर पर जो मामले आते हैं वो इन्होंने आजकल कोर्टों ने वो एरिया के हिसाब से थाने के हिसाब से बांटे होते हैं, इस हिसाब से नहीं बांटे होते कि मामला किस धारा में आता है और उसमें कितनी सजा होती है ये देखकर नहीं बांटते।